उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में आज बकरी ईद का त्योहार अच्छे से मनाया जा रहा है। इसके लिए फतेहपुर के प्रशासन ने अच्छे इंतजाम भी किए थे ताकि किसी को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। फतेहपुर के जिला अधिकारी और कप्तान समेत सभी आला अधिकारी भी सुबह की पहली नमाज सदर कोतवाली क्षेत्र के तुरबली और पूर्वा में स्थित ईदगाह में नमाज अदा करवाने पहुंचे थे, जिस पर उन्होंने सबके गले मिलकर व हाथ मिलाकर सबको मुबारकबाद दी और अमन चैन और खुशी से त्योहार मनाने के बारे में भी कहा। वहीं मौके पर पहुंची तहसीलदार ने कहा कि बकरी ईद की सभी को शुभकामनाएं, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए भी कह डाला और आम जनमानस को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। शहर काजी ने कहा कि ये हम सब की तरफ से गुजारिश है कि बकरी ईद का पर्व कुर्बानी देने का है। कुर्बानी देने का मतलब समझिए, जो भी लोग कुर्बानी दें वह अपने घर में दें और गंदगी ना फैलाएं। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जिस तरह से हमारा शहर हमेशा अमन चैन में रहा है, सबको मुबारकबाद ईद उल अजहा की, और हम चाहते हैं शांति सुकून से हमारे सभी की तरफ से मुबारकबाद। और हमारी तरफ से एक डायरेक्शन है, एक गुजारिश है और एक सिफारिश है लोगों से कि ईद के पर्व को, कुर्बानी के पर्व को कुर्बानी की तरह मनाए, ताकि ये संदेश जाए कि कुर्बानी का मतलब क्या होता है। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे के काम आवे, और अगर किसी ने आपको गाली दे दी है तो उसको आप बर्दाश्त करें, यही कुर्बानी है। शांति का माहौल, तो ये कुर्बानी देने का कुछ सीखना चाहिए। और कुर्बानी देने का जो तरीका रायज है, जानवरों की जो कुर्बानी की जाती है उसको कायदे से करें, घर के अंदर करें, उसकी गंदगी किसी भी तरीके से बाहर न फैलाने। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप शेरवाल? मैं सभी लोगों को जो बकरी मनाते हैं बकरी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा शहर में स्वच्छता की क्या व्यवस्था है? स्वच्छता के लिए हम सब लोग इस समय प्रयासरत हैं, आप देख ही रहे हैं काम उसी दिशा में चल रहा है, तो कार्रवाई चल। फतेहपुर से ये थी अमन गुप्ता की रिपोर्ट।